इंदौर में कोरोना का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। इसे देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए, जिसके चलते शहर की जनता को फिर से सख्ती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आगामी त्योहारों के आयोजनों पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए अहम निर्णय, मास्क नहीं पहनने पर होगा स्पॉट फाइन। इंदौर में दिख रहा महाराष्ट्र का ट्रेंड। जी हां, इंदौर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसने जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को सीएम शिवराज की वीसी के बाद मंगलवार को इंदौर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की रेसिडेंसी पर बैठक हुई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, विधायक महेंद्र हार्डिया, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे व अन्य सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सीएम ने भी इंदौर को लेकर चिंता जाहिर की है, इसके चलते क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई है। कोरोना के मरीज बढ़ने से सबकी चिंता भी बढ़ गई है। बैठक में सभी ने कहा कि मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वे पब्लिक अवेयरनेस करेंगे। आगामी दिनों में डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधक के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने जनता से सावधानी बरतने का निवेदन भी किया है। अन्य शहरों में भी और अन्य प्रदेशों में आ रहा है, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी के माध्यम से सभी शहरों के अधिकारी से बात की थी और कल मेरी भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इंदौर को लेकर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि इंदौर में जिस प्रकार की संख्या बढ़ रही है तो उस पर चिंताजनक है और उस पर आप लोग बैठ के कुछ चर्चा करिए, उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते लीजिए। आज क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी और सबकी सामूहिक रूप से यही था कि चूँकि कोरोना कम होने के कारण, पेशेंट कम होने के कारण सबको ऐसा लग रहा है कि अब ये चला गया है, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है उसको लेकर जरूर सभी को चिंता है और सबने एक स्वर से ये कहा कि हम सब मिलकर पब्लिक अवेयरनेस करेंगे इस बात को लेकर कि एक तो मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें और जो बड़े गैदरिंग है वो अवॉइड करें। नगर निगम ने अभी प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेम्पलेट के माध्यम से और अलाउंसिंग के माध्यम से इस काम शुरू किया है। मुझे लगता है जिला प्रशासन भी इसमें करेगा। आने वाले दिनों में डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की बैठक ली जाएगी और उनमें आवश्यकता अनुसार जो जो व्यवस्था करना होगी वो जिला प्रशासन और मेडिकल के लोग सब मिलकर करेंगे। मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से जनता से यही निवेदन करूँगा कि अभी जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहा है सब सावधानियां बरतें, मास्क जरूर लगाएं, अनावश्यक रूप से ना निकलें और बड़े गैदरिंग मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए हमें। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शादियों व बड़े आयोजन में भी लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। सब पॉलिटिकल लोग भी थे आज इस बैठक में और सबका एक ही स्वर था कि बड़े कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा शादियों में सबसे ज्यादा, मैं भी शादियों में गया था, जिस प्रकार वहाँ लगभग 90% लोगों ने, 90% ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, तो मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए। उनको तो चिंता है लेकिन उनके कारण दूसरे अगर इफेक्टेड होंगे तो हमको भी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार शादियां हों, बड़े आयोजन हों, कहीं ना कहीं सावधानी बरतना चाहिए और मुझे लगता है प्रशासन से कहा गया है कि वो इस ओर ध्यान दे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े आयोजनों के लिए प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में 13 फरवरी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। राज्य शासन के निर्देश पर आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। 13 फरवरी से जो कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में, ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं, वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका, सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस।
इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फाइन किया जाता था स्पॉट फाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था, उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं संपर्क करके जहाँ भी होगा उसमें जन जागरण अभियान इस संबंध में उनके स्तर से भी जारी किया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये मालूम है कि मास्क आवश्यक है कोविड के लिए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पर लोगों से कंप्लायंस कराने की ज़रूरत है उसको, कि लोग कंप्लायंस करें। अवेयरनेस सभी को है, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। इसमें कुछ स्वाभाविक भी है, इस तरह की परिस्थितियों में लापरवाही होती है, किंतु अब लोगों को सचेत आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि इसे मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घरों से ना निकलें। ऐसे जो कार्यक्रम हैं जहाँ बहुत भीड़भाड़ होता है उससे बचें वहाँ कार्यक्रम में जाने से। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी रंग पंचमी पर गैर के आयोजनों को ऐसी परिस्थिति में परमिशन नहीं दी जा सकती है। होटलों को लेकर भी सख्ती की जाएगी। बड़े धार्मिक व सामाजिक आयोजन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शव यात्रा व उठावने को लेकर भी 50 लोगों की संख्या की गई है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे, कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पे गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में, इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या कैपेसिटी 50% कैपेसिटी पर रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में, उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें जो भी इनकी कैपेसिटी है उससे 50% ज़्यादा एक्सीड ना हो। और ये भी इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं वहाँ पर। इसके लिए होटल्स, मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो एक दायित्व दे सकते हैं किसी को जो ये सब इंश्योर कराए वहाँ पर। जब किसी बुकिंग होती है या किसी ने बुकिंग करा रखी है तो पहले से कंडीशन डाल दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए किस प्रकार से वो मास्क इन्फोर्समेंट और सैनिटाइज़र का इन्फोर्समेंट एंट्री पे इंश्योर करेंगे। ये होटल के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है, उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार के हों। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है, इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है, 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा, अगर इसका वायलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वायलेशन होंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अस्पतालों में बेड संख्या व ICU की संख्या बढ़ाने के लिए भी बैठक बुलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को थोड़ी भी शंका होती है तो वे टेस्ट करवाएं। अभी एक दो दिन अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों के माध्यम से भी सब जो अवेयरनेस होगी और एक दो दिन में ही प्रारंभ की जाएगी। सर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी यार इंदौर। दूसरा जो हम लोगों को इनहाउस तैयारियां करनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हॉस्पिटल्स में लगभग हम लोगों की 4200 की कैपेसिटी थी जिसमें कि ऑक्सीजन बेड, HDU बेड और ICU बेड्स थे। 46 हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट कर रहे थे कोविड के पेशेंट्स का, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे पिछले 1.5 महीने में, तो इन कई हॉस्पिटल्स ने बेड की कैपेसिटी कम कर दी थी अथवा हॉस्पिटल्स जो कोविड में ट्रीटमेंट कर रहे थे वो उससे बाहर हो गए थे। उनकी मीटिंग फिर से बुलाई जा रही है, फिर से हम लोग बेड संख्या और ICU की संख्या बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स को बोलेंगे। जिस प्रकार से बेड्स की डिमांड बढ़ रही है उस प्रकार से उसको मैच करने के लिए हॉस्पिटल्स से जो जो आवश्यक कार्रवाई करानी है वो हम लोग करेंगे। प्लस हम लोगों का जो फीवर क्लिनिक्स का सिस्टम है वो भी चल रहा है व्यवस्थित तौर पर,
वो भी स्ट्रीमलाइन तरीके से चले। लगभग 25 करीब जगह पे सैंपलिंग और टेस्टिंग की भी सुविधा है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पेमेंट बेसिस पे होता है, फीवर क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इन सब जगह जाके लोग अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। जहाँ भी किसी को कोई शक होता है वो फीवर क्लिनिक जाकर के फ्री में टेस्टिंग करा सकते हैं RT-PCR की, और प्राइवेट लैब्स में भी जाकर के टेस्टिंग करा सकते हैं पेमेंट बेसिस पे। 1200 का रेट है इस समय, रेट भी अत्यंत कम हुए हैं। पहले ये रेट 4500 तक का हुआ करता था, वो भी राज्य शासन ने आदेश जारी करके कम किए हैं इसको। तो इसके भी सुविधा का लाभ लोगों को लेना चाहिए, और स्पेशली अनावश्यक रूप से कोई घर में पार्टी फंक्शन ये सब करेंगे तो उससे रिस्क बढ़ेगा इस समय, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आसपास का जैसा महाराष्ट्र की स्थिति है उसी तरह का ट्रेंड यहाँ का भी दिख रहा है। इसलिए सभी सतर्कता लेना, इमीडिएटली यहाँ के रहवासियों को स्पेशली नगर निगम सीमा क्षेत्र में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यह आवश्यक है। अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजनेस किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं होगा, लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।